शहर के मांजलपुर विस्तार में चोर तस्कर काफी सक्रिय बनते हुए घर के पास पार्क की गई वैसी इको कार की सफल चोरी की वारदात प्रकाश में आई है। वडोदरा शहर में एक बार फिर पुलिस की नाइट पेट्रोलिंग पर गंभीर सवाल पैदा करते हुए चोर तस्कर राज काफी फूला फला है। जहां शहर के मांजलपुर अमृत नगर में सफल कार चोरी की घटना प्रकाश में आते हुए स्थानीय पुलिस की कामगिरी पर गंभीर सवाल पैदा हुए हैं। अमृत नगर में रहते वैसे दिलीप भाई सोलंकी, जो स्कूल वर्दी के लिए अपने घर के पास के खुले प्लॉट में इको कार पार्क की थी, जल्द सुबह स्कूल वर्दी के लिए उठने के दौरान अपनी कार गायब पाते हुए चोरी को बरामद किया गया। जहां सीसीटीवी फुटेज में चोर तस्कर आसानी से कार को ले जाते हुए प्रकाश में आते हुए इसके बाद पुलिस थाने शिकायत दर्ज की गई। ऐसे में पार्क की गई वैसी अन्य दो इको कार की भी चोरी करने की कोशिश की गई थी, जिसके दरवाजे के लॉक भी तोड़े गए हैं। विस्तार के वार्ड नंबर 17 यानी कि कांग्रेस वार्ड प्रमुख पार्थ पटेल ने इस संदर्भ में घटना की मुलाकात लेते हुए चोर तस्करों को पकड़ने के लिए मांग की थी। आज मैंने सवारे लगभग 7:30 वागे मनोज भाई करीने जे अमृत नगर में रहे रहवासी है अँ स्थानिक एमनो फोन आयो कि आ रीते पार्थभाई अमारी गाड़ी चोराई गई है, तात्कालिक धोरणे आपणे कोई पगला लेवा जोईए। एटले मैं एमने कीधुँ के तमे पोलीस स्टेशन में जईने सौथी पहला कम्प्लेन नोंधाओ अने हूँ आवुं छुं त्यार पछी। एटले हूँ तमने जाण करी के तमारा माध्यमथी पोलीसनुं प्रशासन जागृत थाय के आ खरेखर विस्तारनी अंदर चोरी थवी। अत्यारे गुजरातनी हालत दिल्ली जेवी थई गई छे। तमे जोई रह्या छो के आ गाड़ी आवी रीते चोराई जाय, आ पोलीसनी गाड़ी पेट्रोलिंग करवानी जग्याए शुं करे छे खबर नहीं पड़ती। आ बिचारो गरीब माणस कई रीते पैसा जोड़ी जोड़ीने ईको लायो હોય ધંધો કરવા માટે અને એની ગાડી ચોરાઈ જાય અને રોજગારીની પણ એક પ્રશ્ન ઊભો થઈ ગયો છે। એટલે મારી પોલીસ પ્રશાસનને તેમજ પોલીસ કમિશનર સાહેબને વિનંતી છે કે વહેલામાં વહેલી તકે આ પ્રશ્નને સોલ્વ કરે, આ માણસની ગાડી વહેલી મળે એવી મારી વિનંતી છે। હા સાહેબ, આવે એ તો કામ ધંધો કરીને આવેલા હોય, હવે ત્યાં આગળ પાર્ક રાત્રે કરેલી, હવે સવારે એમને ધંધા જવાનું હોય એટલે નીકળ્યા કંઈક 6-1 વાગે તો ગાડી પાર્ક કરેલી જોઈ નહીં એમને, એટલે બૂમા બૂમ કરી કે મારી ગાડી નથી, મારી ગાડી નથી એમ કરીને એમને બૂમ પાડી, બધા ભેગા થઈ ગયા। પછી આમ તેમ બધા જોયું પણ કંઈ ગાડી દેખવા મળી નહીં। પછી પોલીસ સ્ટેશનમાં જઈને અમે કમ્પ્લેન આપી, પોલીસ સ્ટેશનમાં કમ્પ્લેન આપી પછી એમને કીધું કે અમે ચકાસણી કરવા આવી જઈશું એમ કીધું છે, અત્યાર સુધી હજુ પોલીસ આવી નથી। હા, સીસી કેમેરામાં બી દેખાય છે અને 5:23 નો ટાઈમ આપેલો છે, ગાડી આંચકા મારતે ગાડી એક જલ્દી લઈ જાય છે।